भाई देवेंद्र खाद्यान्न को जिताएंगे और जीत का होंगे भाई साहब, कांग्रेस इनका पता फैल करेंगे हम। हरियाणा में नहीं, इस आदमी समाज सेवक जी सा देवेंद्र खाद्यान्न है भाई साहब। निर्मल जी ने भी कुछ किया नहीं? ना जी, कुछ ना करया। हल्के में देवेंद्र खाद्यान्न तो सवाया किसी ने काम में नहीं करया। देवेंद्र खाद्यान्न तो विधायक थोड़े ही है। बिना विधायक कर दिया जी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करे निर्मल ने, वो कीड़े की निर्मल है। अच्छा। हाँ। राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हुरजत शर्मा। लगातार हम आपको विधानसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। हरियाणा में मेरी मौजूदगी है और विधानसभा का नाम है गन्नौर। यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि अब की बार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस की लहर है, तो क्या वाकई में ही लहर है या फिर अब की बार फिर तीसरी बार बीजेपी यहाँ पर काबिज होने वाली है? सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे। सुल्तान जी, ये बताइए किसकी सरकार अब की बार आप चाह रहे हैं? हम तो बीजेपी की चाहूँगा जी। बीजेपी सरकार कांग्रेस नू तो कर नहीं है, कोई कुछ है कोई कुछ है। अच्छा। हाँ, हम तो चाहे हैं। हाँ, तो काम वाम कुछ लगा आपको भारतीय जनता पार्टी का? हाँ, काम तो इन तो बढ़िया तो कोई कर ही नहीं रहा। हाँ, फ्री का राशन आ रहा, फ्री का तेल, छोंक सब कुछ फ्री का है, छोंक भी घंटे भी, मतलब हर थोड़े दिन में इपका बन गई, मतलब रोटी पाने वाली भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब इतने बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ, और कुछ और बुझना तो और बुझ ले, याद मैंने बता दी। बढ़िया तभी हल्के में क्या किया? मारे हल्के यू ऑन ला रहे, यू जो मैं बताऊँ सरे बैग रोटी पाने वाली के सर रही, सब कुछ कर दिया। हाँ जी, सब कुछ कर दिया, बिल्कुल बस। फिर रोटी पोन वाली मिल जाएगी, फिर खिलाने वाली भी सही है क्या? ना ना, खाता हम भी नहीं, पता चल रहे हैं। आप बताइए जी, आपका क्या नाम? मेहर सिंह जी। मेहर सिंह सरपंच। तो किसके ऊपर मेहर कर रहे हैं आपकी बात? देवेंद्र खाद्यान्न। देवेंद्र खाद्यान्न, तो कुछ काम वाम उनके लगे? वैसे तो कुछ बने नहीं है अभी तक, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि बिना बने भी उन्होंने 8 साल हो गए काम करते रहे, बहुत अच्छे काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, जो सेवा देवेंद्र खाद्यान्न कर रहा है इसमें हल्के में, और किसी ने नहीं किया आज तक। अच्छा। हाँ, तो मतलब क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा उनको कि एक नेता को ये करना चाहिए? सारे काम अच्छे लगे, या जो एम्बुलेंस सेवाइयाँ भी अच्छी लगी, स्टैंड बनवाए वो भी अच्छे लगे, और जो है बथेरे काम जो कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। गरीब लड़कियों की शादी करा रहा है, ठीक है भाई, जो खेल में जो आया है, खेल में जो आ रहा है उसको दे रहा है, राशि दे रहा है, कदे स्कूटी कदे वो बड़ी मोटरसाइकिल कदे नाम पैसा का। और फिर रही बाकी बन गए तो अब की बार रोटी वाली भी लगवा देंगे। हाँ, रोटी वाली भी ले देगा, ठीक चला। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि देवेंद्र खाद्यान्न जी काम कर रहे हैं। प्रदेश में किसकी सरकार आप चाहते हैं? प्रदेश में जब देवेंद्र ने चाहो तो हम तो प्रदेश में बीजेपी जाओगे। बीजेपी में? हाँ, तो लग रहा है बीजेपी आ रही है अब की बार? हाँ, लग रहा है, लग रहा है। कांग्रेस की लहर है ना, बेसिकली। रो क्या नाम हुआ? कंवरपाल खोपड़ू से। अच्छा, कंवरपाल जी, आप बताइए किसकी लहर है फिर? लहर तो बीजेपी की है, मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा। हाँ, मोदी है तो सब कुछ है। हाँ जी, कह रहे यहाँ से कट्टर को हटा दिया, फिर नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया है जी। अच्छा। हाँ, इसके आने से और लहर बढ़ गई। अच्छा, कह रहे कि बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचार कर रही है भाजपा सरकार। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं कर रही ना, बेरोजगारी बढ़ रही। पढ़ो और बढ़ो। अच्छा। हाँ जी, जो बच्चे पढ़ते है वे रहते नहीं, नौकरी लागे हैं सीधे। कांग्रेस कह रही है की हरियाणा मांगे हिसाब किताब तो हो रहा है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम चल रहे सबके। हाँ। और हिसाब कह रहा क्या? अच्छा। नौकरी मन लग रही, पढ़े लिखा ना। हाँ। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा ऊपर। अच्छा, तो बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो लगातार वो डायलॉग मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो सही है या नहीं है? बिना, हाँ जी सही है बिल्कुल। और सब ने अनाज देखो जी, इसमें बीपीएल जमींदार है चाहे गरीब है, सब ने अनाज देने लग रही, घर बैठे खान लग रहे लोग। और इससे बढ़िया सरकार हमने लग दिया ना कोई? अच्छा। हाँ, इससे बढ़िया ना लगती ना जी, बहुत बढ़िया सरकार है, हर नुए खटखटा उठा जाएगा। अच्छा। और आपके हल्के में कुछ काम वाम किया? अरे हल्के में देवेंद्र खाद्यान्न तो सवाया किसी ने काम में नहीं करा। देवेंद्र खाद्यान्न विधायक थोड़े ही है? बिना विधायक कर दिया जी। अच्छा। हाँ, हरियाणा में नहीं, इस आदमी समाज सेवक जी सा देवेंद्र खाद्यान्न है भाई साहब। निर्मल जी ने भी कुछ किया नहीं? ना जी, कुछ ना करया निर्मल ने, कुछ नहीं करया जी। ना जी, क्या कह रहे बाबा जी, थोड़ा आगे आइए। उसने कुछ नहीं करया निर्मल ने, वो कीड़े की निर्मल है। अच्छा। हाँ। अरे भाई साहब, हम अपने बेटे ने बनाना चाह रहे हैं गन्नौर हल्के से, और देवेंद्र खाद्यान्न हो, बीजेपी की सरकार हो। हाँ, बाबा जी आपने तो बहुत सारी सरकार देखी होंगी, सबसे ज्यादा यकीन किस पर आया?
देवेंद्र का दिन बार है हमारे बैकिन जो इसने काम करे है। अच्छा। और कुलदीप आलिया कोशिक आलिया कोशे ने करे जो इसने आज काम कर रहा है। अच्छा। बना बनाए अभी फिर सारा वसूल ले असूल के इसने सारा असूल इसने बना के छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ पहले ही कर दिए फिर सारा वसूल ले। अच्छा बेरा नहीं क्या करेगा यू आम दे बढ़िया करेगा रुपये की भूख कौन है इसने काम करना है नाम कमाना है। आप बताइए जी आपका क्या नाम है। ऐसा है जी पहले सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद करता हूँ। तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हाँ। नेशनल हाईवे बहुत बहुत हाईवे निकाल दिए किसानों के लिए 6000 रुपये फसल बीमा है और बीपीएल को फ्री राशन है। तो सरकार से और क्या उम्मीद करते हैं। हेल्थ बढ़िया स्वास्थ्य बढ़िया बिजली बढ़िया दे रही है। किसान परेशान है किसान विरोधी पार्टी है। नहीं नहीं किसान हितैषी पार्टी है ये। अच्छा। हाँ किसानों को डंडा बजा गया। कांग्रेस ने क्या किया किसानों के बारे में बताओ। चौटाला साहब ने किया हुड्डा साहब ने किया किसी ने किया है। वहाँ जाते थे पैसे लेते थे और उसके बाद नौकरी लगते थे। अब कोई पैसा नहीं जिसका वाला टेस्ट पास कर देगा वो नौकरी लग जाएगा बगैर खर्ची। लिस्ट में नाम एमएलए इमसेट वाला पड़ता था पहले टेस्ट पढ़वाओ 70-80 हज़ार रुपये दे गए उसके बाद फिर लिस्ट में चढ़वाओ एमएलए के नाम। बेरोजगारी हो रही है जो मिल कर उसके टाइम आईपीएस लग गए थे किसके माँ बाप लग रहे किसी के अफसर लग गए रहे वही बेरोजगार जब थे वही अब थोड़ा इन मतलब बल्कि कोई रोजगार तो मिल रहे एक आधा लग गया है इसमें सरकार में। अच्छा आप खेती करते हैं। खेती कर रहे हैं कह रहे किसान तो नाराज है भारतीय जनता कति नाराज नहीं 6000 रुपये पर के बाद धंधा का नाराज कुकर होगा किसान है। अच्छा। हाँ यार कह रहे हैं कि भाई किसान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। नहीं नहीं यार सब झूठ बोल रहे हैं या दूसरी पार्टी बगाई ने बकावा है लोगों ने और मानने नहीं लोग लट बजाए अब की बार किसानों। नहीं नहीं देवेंद्र का दान अपने बेटे ने बनाओगे और इसने लाओगे और बीजेपी सरकार आओगी। किसान की आय दुगनी कहा था ना जो 40000 रुपया दामों का किला उठा ना वो आज 80000 किला हो रहा है इस सरकार में क्योंकि फसल महंगी बिक रही है इसके लिए भाव बढ़ रहे तो उसके भी बढ़ेगा जमीन के भाव बढ़ेंगे। किसानों को कोई परेशानी नहीं किसान को। आप आइए थोड़ा सा आगे आइए आप बड़ा छिप छिप के देख रहे थे क्या नाम हुआ आपका। धर्मवीर है। धर्मवीर जी। हाँ जी। तो मूछ तो बढ़िया है आपकी एक बार टनाटन बिल्कुल एकदम ताव दे दीजिए हाय ले। ये बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे बीजेपी की। बीजेपी की हाँ पक्की आओगी कती हरियाणा में। आप भी खेती करते हो। हाँ खेती करता हूँ। किसान परेशान है। नहीं झूठ बोल रहे सब। अच्छा। मैं किसान हूँ मत तंग नहीं को तंग हो तो पूछ लो वाले किसी ने भी। अच्छा। तो जो ये कह रहे हैं कि हम तंग हैं हम बहुत परेशान हो गए उन पर क्या कहना होगा। वो किसान नहीं है। अच्छा। वो जिनसे ना तंग हो गया हम वो किसान नहीं है वो देश विरोधी है। राजनीति कर रहे हैं। हाँ। अच्छा तो यहाँ से आपके हलके में किसको चाहते हैं। देवेंद्र कादियान को। देवेंद्र कादियान को मतलब सबकी पसंद एक ही है क्या। कतई हाँ पसंद के जिम्मेदार यारे खड़े हैं इसने बनाओ तो, मतलब बढ़िया काम करते हैं। हाँ नहीं ठीक कर रहे हैं काम तो ही करेंगे ये आगे बढ़ेंगे जब करेंगे काम तो बाकी वो शायद बने भी यू ठीक कर रहा है। हाँ बने भी मतलब हल्के ही सेवा यू कर रहा है किसी ने करी नहीं जी बिना बने भी कर रहे हैं। हाँ बिना बने बने वहाँ चंडीगढ़ जाते थे ना जी हरेक होटल में बुक पार था आज होटल वाले खाली पड़े क्योंकि वहाँ जाते थे सांगी के खंडवाड़ी के वहाँ सीएम हाउस में है ना जगह नहीं मिले थी वहाँ भी बैठने के लिए क्यों जाते जेई है वो है बदली करवानी है पहले एक अफ लेते थे भाई आज इतने रुपये दे लगेंगे तेरी बदली हो जाएगी ये काम उस सरकार में थी। आज किसी के ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है अपनी सीनियरिटी हिसाब से बच्चा लगता है। ईमानदार सीएम मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे ईमानदार सीएम सैनी साहब हैं। अच्छा। और जनता पार्टी ने तो हटा दिया। नहीं नहीं किसने हटा दिया जनता पार्टी सेंट्रल मंत्री बन गए या सैनी साहब को मौका दे दिया इनको मौका मिल गया जैसे और आएंगे भाई साहब को मौका मिल जाए अंदर कोई मिल जाए कल न। क्या नाम हुआ आपका। तेजवीर जी। तेजवीर। हाँ जी। तो क्या लग रहा है मतलब तेज नाम ही है वैसे भी तेज हैं आप। तेज है हैं जी भाई साहब जीतेंगे जी भाई साहब। हाँ जी। तो ये काम ही ऐसे कर रखे जी। कौन से भाई साहब। देवेंद्र कादियान। हाँ सलाह कर रहे हैं। बिल्कुल सलाह भाई एक ही है भाई देवेंद्र कादियान को जिताएंगे और जीत का होंगे भाई साहब कांग्रेस इनका पत्ता फैल करेंगे हम। किसका। कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है।
कहाँ कांग्रेस की सरकार रहे हैं तो मांग के पैसे ले रहे हैं, हमने अपनी सरकार बचानी है। अच्छा। ये तो सरकार तभी दूसरी सरकार से समझौता करने लग रहे हैं। तो मतलब आप नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार आए? खत्म है, खत्म बारह बीघे में दाना नहीं पाना। अच्छा। हाँ बारह बीघे में दाना कह रहे कि लहर है की बार भाजपा नहीं मिल रही है, भाजपा की लहर है और कोई कांग्रेस वाला आके दिखा दे के डटके दे मार कर ना छोड़ दे तो ऊपर। अच्छा। को ये भी बोल गया भी बोल दिया दादा खेड़ा भी नो कह रहा बीजेपी की सरकार आओगी और देवेंद्र कादियान ने जताऊंगे बहुत भारी बहुमता है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। हाँ एजुकेशन के मामले में भी रोड बन रहे हैं, अपना गरीबों को बहुत ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं, सबको अनाज चीनी और तेल मिल रहा है ठीक, और देवेंद्र भाई साहब भी बहुत सेवा पानी कर रहे हैं, यहाँ बहुत कार्य कर रहे हैं, जैसे लड़कियों को फ्री कोचिंग देना, बहुत लड़के और लड़कियाँ इसकी एकेडमी में पढ़ गए और नौकरी लग गए हैं, और जैसे शहर में ऑटो की वो देना और कचरे की गाड़ियाँ हमारे हल्के में एम्बुलेंस दे रखी हैं पूरे हल्के में ठीक, और देवेंद्र कादियान को ही चाहते हैं और देवेंद्र कादियान को ही जताऊंगे, और बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, हाँ। आप भी खेती करते हैं? हाँ खेती करता हूँ। तो आप परेशान नहीं है? नहीं मैं कोई परेशान नहीं। अच्छा। बीजेपी से सक्षम हूँ मैं। हाँ। कांग्रेस में परेशान था भाई साहब, ये कांग्रेस वाले ना ये किसानों को भटका रहे हैं। हाँ। ये दूसरे के लिए किसानों को भटकाते हैं आपस में। हाँ। अब भाई दूसरे किसानों को अपने आप तो कहते हैं परेशान हो रहे हैं हम। हाँ। नूनी दोस्त अगर तम तो सब ज्यादा दूसरों पे थे, मां मांग के वो कर रहे हो। मांग मांग के कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? कर्मचारी हूँ, क्या दे सकता हूँ? रोहतास मलिक है मेरा नाम, रोहतास। तो ये बताइए आप, देखो वोट का अधिकार सबको अलग है, कोई किसी को भी डाले हम वो नहीं पूछते हैं ना, हमें हक है उसको पूछने का। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है, आपको लगा है या नहीं लगा है? हमारे को बिल्कुल, हम भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं, केंद्र से तो उसकी विदेश नीति और रक्षा नीतियों से संतुष्ट हैं, और यहाँ पर जो भी भाजपा सरकार खट्टर के समय में हो चाहे अभी थोड़े समय में नायब सैनी की सरकार में हो, सब खुश हैं। इसने जमींदारों के लिए भी किसानों के लिए भी कई जो ना अहम फैसले लिए हों, चाहे वो फसल का बीमा हो, चाहे 6,000 रुपये प्रति वर्ष वैसी आय हो, तो किसानों की आय में इन्होंने इजाफा ही किया है। तो कांग्रेस के समय ऐसा नहीं था, कांग्रेस के बदनाम है भ्रष्टाचार से, भजन लाल थे जब कांग्रेस में तब से भ्रष्टाचार शुरू है, और भूपेंद्र हुड्डा रहे तब भी भ्रष्टाचार था कि भाई जिसकी उसके साथ पकड़ है मजबूत है, उनके साथ मेल मिलाप है, उन्हीं के बच्चे नौकरी लगते थे। हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब, दीपेंद्र हुड्डा लगातार उसकी नहीं हिसाब वो खुद देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं लगे कि जब वो रोहतक थे तो रोहतक का विकास क्यों हुआ था, उस समय बाकी जिलों की तरफ नहीं देखा उसने, वो सिर्फ रोहतक का, ये पूरे हरियाणा में चर्चा हुई थी कि रोहतक का विकास हो रखा, सीएम सिटी रोहतक का विकास हुआ, जबकि यहाँ पर खट्टर थे करनाल के थे तो उन्होंने सभी जिलों के तरफ ध्यान दिया था। तो अभी भारतीय जनता पार्टी थी तो उनको हटा दिया, अब तो नायब सिंह सैनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उनका कद ऊंचा किया है, कद ऊंचा किया, उनको सेंटर में बैठाया है, अभी भी जो है ना वो हरियाणा की तरफ भी देखेंगे और पूरे भारत की तरफ देखेंगे। गन्नौर में क्या माहौल लग रहा है? गन्नौर में देवेंद्र कादियान का एक तरफ माहौल है। हाँ जी, निर्मल चौधरी, निर्मल चौधरी का भी जो थोड़ा जनाधार खत्म हो गया है। अच्छा। क्या कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जब टिकट जिसको मिलेगी तो जनता उसी के साथ है। अच्छा। हाँ जी, टिकट के ये दावेदार हैं, इन्होंने काम करके दिखाए हैं। हाँ, तो आप चाहते हैं कि भाई देवेंद्र भाजपा, हाँ देवेंद्र कादियान आए हम साथ। अच्छा, मैं बहुत सुन रहा हूँ इनके बारे में, आपको क्या इनका काम सबसे अच्छा लगा? इनका काम जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जिस भी किसी गरीब की किसी की भी जो ऐसे देखे कि भाई ये इनको ज़रूरत है, उसी चाहे कहीं पर पानी की ज़रूरत है या कहीं पर ई रिक्शा की ज़रूरत है या एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कई ऐसे काम किए हैं कि ये बिना पद के भी, बिना उसमें क्या बोलते हैं सरकार में आए बिना भी लोगों में अपना इसने पैठ बनाई है, तो आने के बाद सरकार में तो और अच्छा काम करेंगे, यही उम्मीद है इससे, इसीलिए लोग इससे जुड़े हुए हैं।
देखिए लगातार जनता से बातचीत कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि अब की बार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है, और लगातार ऐसे ही लगातार हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पूरा माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार ये बात हम ये भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हरियाणा की लगातार बात जो होती है वो खेती किसानी को लेकर होती है, और ये वही हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना और जय हरियाणा। तो उन्हीं लोगों के बीच मौजूद थे, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन ऐसे ही लगातार बेबाक राय हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, राम राम।